और अब खबर आपको बताने जा रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर लोग अब घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जी हां, जिलेवासियों को इसके लिए ना तो थाना जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा, बल्कि अपने गांव में अंजोर रथ पर पहुंचकर ग्रामीण अपने एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। अंजोर रथ पुलिस विभाग की चेतना ई प्रहरी और रोड सेफ्टी योजनाओं का ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार के लिए शुरू किए गए थे। अंजोर रथ में अब विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस एसपी ने बताया है कि गरियाबंद ऐसे ग्रामीण इलाके में बहुत से कुछ अपने मामले की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते, उनके लिए अंजोर रथ बहुत लाभकारी साबित होगा। उन्होंने बताया है कि अंजोर रथ में एसआई रैंक का अधिकारी मौजूद रहेगा, जो कि मौके पर ही शून्य में एफआईआर दर्ज करेंगे और फिर संबंधित थाने को फॉरवर्ड कर मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक अच्छी खबर के साथ कई सवाल भी हैं कि ये कहीं योजना भी ऑनलाइन एफआईआर योजना की तरह खटाई में तो ना पड़ जाएगी। इसमें विशेषता यह है कि हम इसमें एक अभिनव प्रयास पहल कर रहे हैं, इसमें कि हमारा ये सही वहाँ पर रहता है कि किसी गांव में जो रथ कार्य कर रही है और वहाँ पर लोगों को जागरूक करे, इसको उस दौरान यदि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई अपराध दर्ज कराना चाहता है, किसी प्रकार का अपराध हुआ है, तो हम उसी जगह पे एफआईआर अंजोर रथ में। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गरियाबंद से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम का रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, ग्रामीणों के लिए अंजोर रथ की शुरुआत गरियाबंद में कर दी गई है, एक बार आपसे इस रथ की खूबियां जानना चाहेंगे, क्या क्या इस रथ की खूबियां हैं जिसके चलते अब ग्रामीणों को और आमजन को सहूलियत मिलेगी। जी देखिए, मैं बता दूं कि ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा जो है ई मोबाइल के माध्यम से जो ठगी के शिकार होते थे लोग, विभिन्न प्रकार के फ्रॉड कंपनी आके जिस तरह से लोगों को आसानी से ठग लेते थे, तो उसमें किसी ना किसी तरह से लगाम लगाने की जो पूरी कोशिश की जा रही थी, वो उसका एक ही समाधान निकला था कि इसमें किसी तरह जागरूकता चलाया जाए। पुरुषोत्तम बने रहिए हमारे साथ, एडिशनल एसपी सुखनंदन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखनंदन जी, स्वागत है आपका सुराड़ एक्सप्रेस पर। धन्यवाद सुखनंदन जी। ग्रामीणों के लिए अब अंजोर रथ गरियाबंद में चलाया जा रहा है, क्या कुछ खूबियां हैं इसकी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से सहूलियत अब ग्रामीणों को मिलेगी। निश्चित रूप से अंजोर रथ के माध्यम से एक जन जागरूकता फैलाया जा रहा है। माननीय डीजी सर का ये विशेष अभियान है कि ग्राम रक्षा समिति का गठन जहाँ हो रहा है वहाँ पर अंजोर रथ को ले जाते हैं, और जो हाट बाजार हैं, मेले हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ भीड़ है, ग्रामीण इलाके दूर दराज के इलाके हैं, गांव के लोग थाना तक नहीं आ पाते, वहाँ तक अंजोर रथ के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की जो फ्रॉड केसेस आते हैं, एटीएम फ्रॉड के केसेस आते हैं, चीट फंड कंपनियां हैं, उनके खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही उसमें एक विशेष बात यह है कि उसमें शून्य पर एफआईआर दर्ज करने का है, उसमें पुलिस अधिकारी रहते हैं अंजोर रथ में, और अगर कोई पीड़ित है अगर वहीं पर अपना रिपोर्ट लिखाना चाहे तो वहीं पर एफआईआर दर्ज किया जाता है, बाद में संबंधित थाने को उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सुखनंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एफआईआर दर्ज इस अंजोर रथ में हो सकती है, और जो आखिरकार जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें काफी कष्ट होता है थाने में जाके, उनके लिए कैसे सहायक की भूमिका निभाने वाला है अंजोर रथ? अंजोर रथ के माध्यम से जो हाट बाजार मिले हैं, बड़े गांव हैं, वहां अंजोर रथ जाता है और वहां पर एक लोगों को अंजोर रथ के माध्यम से हमारे पुलिस के अधिकारी जवान समझाइश देते हैं, और यदि किसी को कोई तकलीफ है तो उसके आवेदन वहीं पर वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो लोगों को अंदर गांव में जाकर के ग्रामीण लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी, उनका कानूनन और विधिक जो अधिकार है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, और लोगों को जागरूकता के माध्यम से अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी कोई प्रकार की तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो उसको सुनने के लिए पुलिस डायरेक्ट उनके पास पहुँच रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए सुखनंदन जी, बहुत बहुत अच्छी आपकी पहल है ये। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपसे जानना चाहेंगे कहीं ये अंजोर रथ एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर योजना की तरह कहीं कठाई में तो ना पड़ जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से सरकार बदलने के बाद एक बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था और प्रयास जो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, और उसके तहत कितनी आसानी से लोगों के बीच हम जा सकते हैं, कितनी आसानी से लोग
पुलिस को मिल सकती है, पुलिस का फायदा ग्रामीण उठा सकते हैं, ग्रामीण कितनी सहजता से अपने अधिकार के लिए पुलिस तक पहुंच सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है ये कई नई पहल है और बहुत ही आसान पहल है, क्योंकि इससे पहले जो प्रहरी योजना चालू की गई थी उसमें कई सारे व्यवहारिक दिक्कतें आती थी, लेकिन ये सीधा जो है ये रथ ग्रामीण अंचल की ओर जाएगा, ग्राम जहाँ भी समूह की स्थिति निर्मित होती है, जैसे हाट बाजार है, मेला है, और जहाँ भी भीड़ भाड़ की जगह रहेगा वहाँ पे पहुंचेगा, उस जगह पे वो जागरूकता अभियान जो चलाएगा, जिस तरह से ठगी के मामले आते हैं मोबाइल नेटवर्किंग के माध्यम से जो आसानी से ठगा जाता था, उनके प्रति जागरूक करेंगे तो ये निश्चित तौर पर ग्रामीणों में एक विश्वास जागृत होगा और पुलिस से लोग जुड़ेंगे और अपने अधिकार के प्रति पुलिस के पास सहजता से मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर इसकी सफलता की राह जो है बहुत ही आसान नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम हमारे साथ जानकारी को साझा करने के लिए। सुराज एक्सप्रेस केसेस एक्सप्रेस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार